12th के मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और ये भी जानेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और कैसी उनकी उनका कैसा नेचर होगा क्वेश्चंस का। और ये आप मान के चलिए कि मॉडल के अनसॉल्व पेपर में जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट टाइप के होते हैं और वहाँ से पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप लास्ट ईयर के 2-3 साल के, कम से कम 3-4 साल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व ज़रूर कर लें। इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें। ग्रामर वगैरह में तो वही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अच्छे मार्क्स चाहिए तो पीछे कुछ सालों के जो आए हुए सेंटेंसेस हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, देखते हैं। बस आप वीडियो पूरा देखें और कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले दिया गया था आपको, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर YouTube में कोई प्रॉब्लम है, अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो आप उसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो आपको दिखेगा। द एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज़ कॉल्ड, ये 4 ऑप्शन दिए गए, हो सकता है इसी तरीके से एग्ज़ाम में आए। द एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज़ कॉल्ड, किसी भी देश में जो एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट है, वन वर्ड दिया गया है, मोनार्की, एनार्की, पैट्रियार्की और मैट्रियार्की, ठीक है। ये 4 ऑप्शन लिखें, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन पता करना है कि कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ, लिख कर दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका आंसर आएगा। तो इसको मैं साइड से लगाता हूँ, इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है द एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है एनार्की। क्या है इसका सही आंसर? है एनार्की, ANARCHY। ये आंसर आप रट लें, द एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट, द एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, वो एनार्की होता है। अब देखिए इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये अगर ऑप्शन में हैं तो इनमें से भी प्रश्न बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही वाला प्रश्न आए। तो इन सारे ऑप्शंस को हम देख कर चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनार्की, कि मोनार्की क्या होता है। तो मोनार्की का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, अ कंट्री दैट इज़ गवर्न बाई अ किंग। अगर एग्ज़ाम में आए अ कंट्री, ये मोनार्की को आप समझें यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। देखिए ऐसे एग्ज़ाम में आएगा अ कंट्री, ठीक, दैट इज गवर्न्ड बाय अ किंग। अगर कोई ऐसा देश है जहाँ पर किसी जो है किंग या अथवा क्वीन के द्वारा, राजा या रानी के द्वारा, जी हाँ, अगर कोई ऐसा देश है जहाँ पर राजा या रानी के द्वारा उस देश को गवर्न किया जाता है, वहाँ पे शासन किया जाता है, तो उसको हम मोनार्की कहते हैं। तो उसका आंसर आप मेरे प्यारे बच्चों मोनार्की लिखेंगे, मोनार्की, क्या लिखेंगे, मोनार्की। इसको आप, इसको भी नोट करेंगे मोनार्की क्या होता है, ठीक है। तो इसी मोनार्की का आंसर समझ, एनार्की तो हो ही गया, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। और पैट्रियार्की क्या होता है, पैट्रियार्की, तो पैट्रियार्की मेरे बच्चों देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि पैट्रियार्की क्या होता है। पैट्रियार्की मीन्स होता है अ सोशल सिस्टम दैट गिव्स पावर एंड कंट्रोल टू मैन। एक ऐसा सोशल सिस्टम, देखिए लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एक मिनट। देखिए पैट्रियार्की क्या, मोस्ट, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको भी पता होगा क्योंकि ऑप्शन में जो दिया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है। एक मिनट, स्क्रीन पे सही से दिख नहीं रहा, हाँ दिख रहा होगा, देखिए एक मिनट, हाँ, ए सोशल सिस्टम, ए साफ नहीं आ रहा है, क्या बात, साफ नहीं आ रहा, हाँ, क्या चक्कर है। अब आया साफ, ए सोशल
ठीक है, सिस्टम, अ सोशल सिस्टम दैट गिव्स क्या पावर, जो एक ऐसा सिस्टम सोशल का जो पावर देता है किसको, एंड कंट्रोल, या फिर कंट्रोल जिसके हाथ में हो, टू मैन, ठीक है, रेदर देन वुमेन, ऐसा सोशल सिस्टम जिसमें मैन को, व्यक्ति को जो है पावर या कंट्रोल मिलता है, जी हाँ, मैन को जिसमें पावर या कंट्रोल मिलता है उसे हम कहते हैं पैट्रियार्की, ठीक है। और ठीक इसका अपोजिट टाइप का है ये पैट्रियार्की, जिसमें सो कंट्रोल या पावर जो है मैन को मिलता है, ये है मैट्रियार्की, जिसमें जो है एक समाज का ऐसा सिस्टम जिसमें वुमेन को पावर या कंट्रोल मिलता है। जी हाँ, देखिए अच्छे से आप इसको नोट कर लें, बिल्कुल यही कॉपी में सेंटेंस लिखेंगे, देखिए फिर मैं शो करता हूँ। अब ए सोशल सिस्टम दैट गिव्स पावर एंड पावर एंड कंट्रोल टू मैन की जगह टू वुमेन करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका मैट्रियार्की, MATRIARCHY, ठीक है, यही सेंटेंस आप ये वाला नोट करेंगे, मैट्रियार्की में यहाँ मैन की जगह वुमेन कर देंगे और जिसमें मैन होगा वहाँ पे आंसर आप पैट्रियार्की करेंगे। फिर से आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखिए मोनार्की, एनार्की, पैट्रियार्की और मैट्रियार्की, ये आप चार ऑप्शन दिए गए थे, जो यहाँ पे जो वन वर्ड आया था उसका आंसर एनार्की है और मैंने आपको उससे जुड़े हुए भी सब बता दिए। अब देखिए फ्रेज इसमें ऑप्शन में था, इसी में आ जाते हैं, द फ्रेज एंसिंग टूवर्ड्स मीन्स टू हैव एन इची फीलिंग, टू मेजर समथिंग, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, टू मूव अपवर्ड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन सही है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, ठीक है, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन इस फ्रेज का मतलब होता है। जी हाँ, सिनोनिम देखिए, सिनोनिम मीगर, MEAGRE, सिनोनिम मीगर इज, तो मेरे प्यारे बच्चों मीगर का होता है स्कैंटी, मीगर का सिनोनिम होगा स्कैंटी, ठीक है, मीगर से मतलब होता है कम, मीगर से मतलब क्या है कम, तो स्कैंटी माने कम होता है, और ये प्लेंटीफुल इसका अपोजिट हो गया, मीगर का अपोजिट होता है प्लेंटीफुल, ये इसका अपोजिट है, ठीक। ये जो स्कैर्स लिखा है SCARC, इसका मतलब होता है अपर्याप्त, सॉरी हाँ, इसका मतलब होता है अपर्याप्त, क्या होता है अपर्याप्त, तो स्कैर्स का मतलब हो गया अपर्याप्त, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इनफ, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा इनफ, अभी फ़िलहाल मीगर का स्कैंटी होता है सिनोनिम, ठीक है, और मीगर का एंटोनिम ये प्लेंटीफुल लिखा है, कल मैंने वीडियो में बताया था एबंडेंट भी होता है, ठीक है, एबंडेंस, एबंडेंस भी होता है। अब देखिए डी वाले पे आ जाते हैं, वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, शुड में एरर है, डू में एरर है, या फिर हिज में या ड्यूटी में, तो आपको मैं बता दूँ जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग वन से होती है वहाँ पर पजेसिव केस हिज नहीं बल्कि मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है वहाँ पर वंस आता है, यहाँ वन के साथ में क्या आता है वंस, अगर वन दिया गया तो पजेसिव केस होता है वंस, क्या होता है वंस, तो यहाँ मिस्टेक हिज में है, तो आपका थर्ड ऑप्शन ये वाला सही हो गया कि हिज गलत लिखा हुआ है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। द एंटोनेम ऑफ वरेन, वरेन का मतलब होता है बंजर, तो फर्टाइल, फर्टाइल ये इसका एंटोनियम हो गया, वरेन का फर्टाइल होता है, ठीक है, यहाँ पर इनफर्टाइल, इनफर्टाइल इसका एंटोनियम नहीं हो सकता है, फ्यूटाइल, ये फ्यूटाइल जो लिखा है FUTIL, इसको भी आप नोट कर लें, फ्यूटाइल का मतलब होता है फ्रूटलेस, फ्रूट, फ्यूटाइल का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है फ्रूटलेस, ये इसका सिनोनिम है फ्रूटलेस, कॉपी में शो करता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए ये जो लिखा था ऑप्शन में फ्यूटाइल, इसका सिनोनिम होता है फ्रूटलेस, निरर्थक, हिंदी होती है निरर्थक, ये इसका सिनोनिम है फ्यूटाइल का, FUTIL का फ्रूटलेस हो गया। और इसके बाद में फ्रेगाइल दिया गया, ये फ्रेगाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है फ्रेगाइल, तो फ्रेगाइल देखिए क्या होता है FRAGILE, यहाँ पर सही नहीं लिखा, FRAGILE, फ्रेगाइल,
फ्रेगाइल मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ वन वर्ड बनता है दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन या डैमेज। देखिए दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से ब्रोकन किया, जिसके तोड़ा जा सके, या दैट कैन बी ईजिली डैमेज्ड, उसका होता है फ्रेगाइल, जिसे बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसे वन वर्ड में कहेंगे फ्रेगाइल। फ्रेगाइल माने छड़ भंगुर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं बताता जा रहा हूँ, सब नोट करिए। यहाँ ऑप्शन में जो भी दिया गया सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता होगा। तो अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयारी अगर हो रही है, आपको समझ में आ रहा है, कायदे से समझाया जा रहा है, तो शेयर भी कर दो और लाइक भी कर सकते हो। इसके बाद में अब हम आते हैं 5A क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5A। चेंज, एक मिनट और थोड़ा जूम कर लेते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी एक को आपको एग्जाम में बदलना है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, हम दोनों को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बोल देता हूँ, आप नोट कर लें, समझ लें, ना समझ में आए कमेंट में बताएं। आई सेड लिखा है डोंट वेस्ट, डोंट ऑफ फर्स्ट फॉर्म आई, तो इम्परेटिव सेंटेंस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, तो यहाँ पर डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ये एडवाइज है, तो आई के बाद एडवाइज्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड। और किसको एडवाइस दी गई है, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट हिम मानेंगे, आई एडवाइज्ड हिम। और जब एडवाइस का प्रयोग करते हैं तो यहाँ सिर्फ हम डू को हटाएंगे, नॉट रहेगा, फिर होगा नॉट, और वर्ब से पहले टू आ जाएगा, नॉट टू वेस्ट, और योर हिम से चेंज हो जाएगा, जो हिम ऑब्जेक्ट माना है तो हिज टाइम हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट बना, आई एडवाइज हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक है। उसके बाद में माई मदर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, तो माई मदर टोल्ड हिम दैट, दैट के बाद हिम को ही से चेंज कर देंगे, ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज ए डायरेक्टेड कॉम्प्लेक्स बनाना है। आई कैन गिव यू ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड टू मी। कॉम्प्लेक्स देखिए हिंदी समझिए, आई कैन गिव यू ड्रेस, मैं आपको एक ड्रेस दे सकता हूँ, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माँ ने मुझे दी है, तो मैं तुम्हें ड्रेस दे सकता हूँ जो मेरी माँ ने दी है। ड्रेस के लिए जो कि अंग्रेजी मेरे प्यारे बच्चों क्या लाएंगे, दिमाग लगाइए, विच, जी हाँ विच लाएंगे, तो आई कैन गिव यू ड्रेस विच माई मदर, या दैट भी लगा सकते हैं, आई कैन गिव यू ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड टू मी, इट हटा देंगे टू मी, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। कंपाउंड कैसे बनाएंगे, डू इट इसे करो, लीव इट इसे छोड़ दो, तो आइदर डू इट और लीव इट, या तो इसे करो या छोड़ दो, आइदर डू इट और लीव इट, ये इसका कंपाउंड हो गया। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, पैसिव वॉइस करनी है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट की पैसिव वॉइस करेंगे, तो इट पहले आ जाएगा, इट के बाद कैन बी, फिर डन बाई मी। उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री देखिए, दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज़। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी कंपेरेटिव डिग्री आपको बनानी है, और यदि आप कमेंट में मुझसे पूछेंगे तो मैं इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। सिर्फ एक सेंटेंस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज़, इसको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है। उसके बाद करेक्शन देख लेते हैं, यू आर सीनियर देन मी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग लगाइए इसमें कैसे इसको करेक्शन करेंगे, यू आर सीनियर देन मी। तो देखिए ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें आई ओ आर अंत में, देखिए सीनियर में लास्ट में आई ओ आर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लें, सीनियर, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रेफियर, इन सभी शब्दों के बाद टू का प्रयोग होता है। ऐसे जितने भी शब्द जिनके अंत में आई ओ आर, अंत में आई ओ आर, सीनियर में देखें अंत में आई ओ आर आ रहा है, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर और प्रेफियर, प्रेफियर में आई ओ आर नहीं आ रहा, फिर भी आप नोट करें, इन सभी शब्दों के बाद में हम टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं, सिर्फ यहाँ हमें देन की जगह टू लगा देना है। कैटल्स आर ग्रेजिंग, मेरे प्यारे बच्चों जो कैटल्स वर्ड है, इस ये कैटल्स नहीं कैटल वर्ड होता है, जिसको हमेशा प्लूरल में काउंट किया जाता है। कैटल इज ऑलवेज काउंटेड इन प्लूरल एंड इट ऑलवेज टेक अ प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म भी लेता है। कैटल्स नहीं कैटल होगा और आर लगेगा, कैटल ही बहुवचन में आता है, कैटल्स नहीं कैटल, आर ग्रेजिंग हो जाएगा, जी हाँ। उसके बाद में देखिए रिफ्यूज और रिफ्यूज, देखिए आर ई एफ यू एस ई, आर ई एफ यू जी ई, तो मैं आपको कॉपी पर लिख कर बताता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, थोड़ा वीडियो जल्दी बन जाए, इसलिए देखिए मैंने सब लिख रखा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता सब कुछ तो टाइम लगता, आप बहुत बड़ा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं मुझे पता है, इसलिए मैंने थोड़ा बोल के बता दिया। चलिए यहाँ पर जहाँ ज़रूरी है वो मैं लिख कर बताऊँगा, आर ई एफ यू एस ई, इसका मतलब होता है मना करना, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है मना करना।
अब हमें एक सेंटेंस लिखना है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें रिफ्यूज्ड आ जाए। तो क्या सेंटेंस लिखते हैं, देखिए रिफ्यूज़ आ जाए तो कोई सा भी एक सेंटेंस बना लेते हैं। ही के बाद सेकेंड फॉर्म लगा दी, रिफ्यूज्ड माई एप्लीकेशन। ठीक, ही रिफ्यूज माई एप्लीकेशन, उसने मेरी एप्लीकेशन अस्वीकार कर दी। मना मना करना या अस्वीकार करना, ही रिफ्यूज माई एप्लीकेशन, तो इसमें रिफ्यूज़ का प्रयोग हो गया। अब ये जो रिफ्यूज़ है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है शरण स्थल, शरण स्थल। ये रिफ्यूज़ है शरण स्थल, रिफ्यूजी माने होता है शरणार्थी, तो रिफ्यूजी से रिफ्यूज़ बना है। ध्यान रखना इन दोनों में अंतर रखना, इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या नाम उसमें अनसोल्व पेपर में दिया गया है। तो रिफ्यूज़ शरण स्थल, अब एक सेंटेंस हम लिखेंगे। और दूसरा इसका और एक अर्थ होता है, नहीं सॉरी इसका नहीं, इसका दूसरा अर्थ होता है, आप मुझे बता सकते हो कमेंट में इसका दूसरा क्या अर्थ होता है। एक इसका और अभी अर्थ होता है। तो रिफ्यूज़ का मतलब शरण स्थल, एक सेंटेंस बनाएंगे, आई वांट ए रिफ्यूज़, आई वांट ए रिफ्यूज़ टू लिव हैप्पली, टू लिव हैप्पली। तो मैं हैप्पली रहने के लिए एक शरण स्थल चाहता हूँ, आई वांट अ रिफ्यूज़ टू लिव हैप्पली। उसके बाद में सेल दिया गया था, SELL और CELL। तो मेरे प्यारे बच्चों सेल, इसका मतलब होता है बेचना। तो सेंटेंस बनाएंगे आई एम, या ऐसे लिखते हैं आई वांट टू सेल, SELL का प्रयोग हो गया, आई वांट टू सेल माई सॉरी माई कार, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, आई वांट टू सेल माई कार। और CELL सेल, सेल का मतलब होता है कोशिका। इस सेल का एक अर्थ और होता है, वो आप बताएंगे एक सेंटेंस में, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। CELL सेल का हम एक सेंटेंस लिखेंगे जिसका मतलब कोशिका होता है, द ह्यूमन बॉडी, द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट माने रखना, कंसिस्ट ऑफ मिलियंस मिलियंस ऑफ सेल्स। जो ह्यूमन बॉडी है कंसिस्ट माने रखती है मिलियंस ऑफ सेल्स, उसमें लाखों सेल्स कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए, अब मैंने यहाँ तक करवा दिया, अब अगले वीडियो में आपको ये स्टोरी में करवाऊँगा, बहुत ही सरल तरीके से आपको करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, और जो पहले से जुड़े हों वो लाइक कर दें।